यूपी के रण में फिर आरक्षण का जिन निकल आया और इस बार शिकार बनी सपा। यादव परिवार की छोटी बहू ने बड़ा बयान दिया और बवाल मच गया। अपर्णा यादव ने कहा कि वो जातिगत आरक्षण के खिलाफ है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार बनने पर सपा आरक्षण हटाएगी। अब आरक्षण पर सफाई अटैक। आरक्षण हटाना चाहती है मुलायम की छोटी बहू। जाति आधारित आरक्षण पर अपर्णा का निशाना। क्या सरकार बनने पर आरक्षण हटाएगी सपा? चुनाव से ठीक पहले एक बयान साइकिल की रफ्तार में अडंगा लगा सकता है। मुलायम की छोटी बहू के बयान से लगता है सपा आरक्षण का विरोध करती है। लखनऊ कैंट से सपा उम्मीदवार अपर्णा यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो जाति आधारित आरक्षण का समर्थन नहीं करती। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो समृद्ध है उसे आरक्षण की क्या जरूरत। इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई और विरोधियों ने हमले तेज कर दिए। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि अपर्णा ने यह बयान सीएम अखिलेश की सलाह पर दिया है। बयान की निंदा करते हुए उन्होंने सीएम अखिलेश से जवाब भी मांगा। इसके अलावा बीजेपी महासचिव और राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने अपर्णा यादव पर सवाल खड़े कर दिए और समाज के दलित और पिछड़े वर्ग का हक छीनने का आरोप लगा दिया। अपर्णा यादव जी का यह कहना है कि इन सब के आरक्षण को समाप्त करना चाहिए। क्या इसके बाद समाजवादी पार्टी जब शासन में आएगी तो वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पसमंदा समाज के आरक्षण को भी समाप्त करेगी? अपर्णा के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। विरोधी अखिलेश यादव से अपर्णा यादव पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और अखिलेश यादव के इशारे पर बयान देने का भी आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में पार्टी इस पर क्या सफाई देती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट समाचार।